हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं HTML5 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे सिलेक्ट टैग इन फॉर्म टैग। एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में फॉर्म टैग को क्रिएट करना सीख लिया था। एक हमने बेसिक फॉर्म भी क्रिएट किया था, जिसमें हमने लॉगिन फॉर्म को डिजाइन किया था। उसमें हमने यूजर नेम, पासवर्ड एंड बटन्स को भी ऐड करना सीखा था। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे फॉर्म टैग के अंदर सिलेक्ट टैग को कैसे यूज करते हैं, वो भी सीखेंगे। और एक हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दे दूँ लास्ट क्लास की। हमने लास्ट क्लास में फॉर्म टैग पढ़ा था, उसमें हमने इनपुट टैग पढ़ा था। उसके बाद हमने इनपुट टैग का एट्रीब्यूट्स के भी बारे में हमने देखा था। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे और टाइप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है, जिसमें हम बहुत सारे वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। और वो कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइप के अंदर वैल्यूज़ पास करते हैं। आज के इस क्लास में हम अलग अलग वैल्यूज़ को पास करके हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, और साथ में हम सिलेक्ट टैग को भी यूज करेंगे। सिलेक्ट टैग क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं। तो सिलेक्ट टैग यहाँ पे लिख रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन टैग। सिलेक्ट टैग जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बनाने के लिए। और इसमें कौन हेल्प करता है, तो ऑप्शन टैग, यानी कि ऑप्शन टैग का मदद से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट टैग बनाएंगे। एक्चुअली सिलेक्ट टैग जो है लिस्ट का फ्रेम तैयार कर देता है, और ऑप्शन टैग ये करता है कि उसमें आइटम को ऐड कर देता है। ओके, तो चलिए इनका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, फॉर्म टैग के अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट टैग, और सिलेक्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग के अंदर यहाँ पे आइटम्स को ऐड किए गए। अब जितनी आपकी ज़रूरत है आइटम की, आप उतने आइटम को इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, आई होप कि आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आपको इनका एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। इवन सेलेक्ट टैग का जो यूज़ है ना, वो फेसबुक वाले भी यूज़ करते हैं। उन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कराने के लिए सेलेक्ट टैग का यूज़ किया है। उसने भी ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बना रखा है। चलिए हम आपको उसका एग्जाम्पल एक दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जन्मदिन के लिए इन्होंने लिस्ट बना रखा है, डेज के लिए, मंथ के लिए एंड ईयर के लिए। तो यही इसी टाइप का हम भी लिस्ट तैयार करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टैग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको समझते हैं। चलते हैं हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, और उनके अंदर हम इन सारे टैग्स को यूज करेंगे, और साथ में हम इनपुट टैग्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज टाइप को पे देखेंगे, टाइप में हम ऐड करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम जो भी टास्क करेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, और उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई देने वाला। ओके, तो हम सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स लिख लेते हैं HTML टैग, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, हमने एक टाइटल सेट कर लिया, और एक हम हेडिंग सेट कर लेते हैं H1 बॉडी टैग के अंदर। हेडिंग में हमने लिख लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। अब हमें फॉर्म बनाना है, तो हमने सिंपल फॉर्म टैग यूज़ करेंगे, और फॉर्म टैग के अंदर हमें क्या क्या इंसर्ट करने, क्या क्या हमें फॉर्म में फील्ड बनाने हैं, अब उनका डिटेल हम देने वाले हैं। ओके, फिलहाल मैं इतना सेव करके एक आउटपुट आपको दिखा दूँ, और जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे, वैसे वैसे कोड हम अपने आउटपुट स्क्रीन पर देखते जाएंगे, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर अलाइन सेंटर करके मैं एक बार सेव कर देता हूँ, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सेंटर में आके दिखेगा। चलिए, तो अब हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म में सबसे पहले मैं नेम इंसर्ट करूँगा, और नेम स्टूडेंट का नेम मैं लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इनपुट टैग का यूज़ करूँगा। ओके, और इनपुट टैग में मैंने यहाँ पे टाइप में पास कर दिया टेक्स्ट, और नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज़ एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ 30 कैरेक्टर। ओके, फिर मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा नेम भी ऐड हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा BR टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एक बार और BR टैग यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट टैग को यूज़ कर लिया। अब हम कुछ अलग डिटेल लेते हैं, सपोज हम इस स्टूडेंट का फादर्स नेम को भी लेते हैं। तो जस्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल, फादर नेम भी हमारा क्या होगा, तो टेक्स्ट ही है ना, तो वहाँ भी हम लिख लेते हैं फादर। ओके, यहाँ पे फादर आ चुका है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम के बाद क्या आ चुका है, फादर का फील्ड आ चुका है। अब हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ ऐड करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया DOB, शॉर्ट में मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। और मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ, वो यूज़ करूँगा सिलेक्ट टैग, और मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट टैग,
और सिलेक्ट टैग के अंदर हम यूज करेंगे ऑप्शन टैग को, ओके। तो ऑप्शन टैग है ये टैग, ऐसा टैग है जो हमें ये बताएगा कि हम इसमें क्या क्या इंसर्ट करने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ तो डे लिख लेता हूँ, और डे लिखने के मतलब कि यहाँ पे मैं जो यूज करने वाला हूँ वो डे के लिस्ट तैयार करूँ, ठीक है। मैं फिलहाल अभी समझने के लिए बस मैं छोटा सा लिस्ट तैयार करता हूँ। मैंने 1, 2, 3 तीन दिन का मैंने बना लिया है, ओके। और मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में कर दिया हूँ पेस्ट, और यहाँ पे डे तो हो चुका है, डे के बाद अब हमें किसका ऐड करना है, मंथ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मंथ, और मंथ में मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, सिंपल शॉर्ट में ही लिख लेता हूँ ताकि कम समय में बढ़िया समझ में आ जाए। फेब हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्च, ओके। यहाँ पे मैं इतना को अभी सेव करके एक बार आउटपुट भी साथ के साथ दिखाते चलूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, और यहाँ पे डे मंथ ऐड हो चुका है, और हम इसमें ईयर भी ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ईयर के लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे YEAR ईयर पास कर दिया, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 2001, और फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 2002, एंड फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 2003, ओके। यहाँ पे मैंने वैल्यूज सारे पास कर दिए, और मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैं एक बार करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए डे का अलग लिस्ट बन चुका है, मंथ का अलग लिस्ट बन चुका है, और ईयर का अलग लिस्ट बन चुका है। और भी आप लिस्ट को आप बढ़ा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, और डे में तो 31 तक ही रहेगा, मंथ में तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक रहेगा, और ईयर आप अपने जो भी जिस टाइप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं उसके एज लिमिट के अकॉर्डिंग आप ईयर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा लिस्ट कैसे डिजाइन करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कोड है, यहाँ पे आप कोड देख लीजिए। आगे हम स्टूडेंट का और भी डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट का हम जेंडर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेंडर, और जेंडर में मैं लिखूंगा मेल एंड फीमेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल केवल लिख देने से ही क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे देखिए कि जेंडर मेल एंड फीमेल तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे हम एक छोटा सा सर्किल टाइप का ऑप्शन लगाना चाहते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे पहले बीआर टैग सेट कर दे हैं, और मैं एक बार थोड़ा सा ये लॉगिन फॉर्म आपको दिखाऊंगा फेसबुक वाले का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने महिला पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल वाला बटन इन्होंने ऐड कर रखा है। जैसे हम पुरुष पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो महिला अनसेलेक्टेड हो रहा है, महिला पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पुरुष अनसेलेक्टेड हो रहा है, या फिर इधर हम कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे इसका अब हम चलते हैं कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नीचे आ चुका है मेल एंड फीमेल। तो मेल के लिए हम यहाँ पे इनपुट टैग यूज करेंगे, और मैंने यहाँ पे इनपुट टैग यूज किया, और यहाँ पे टाइप हमें क्या देना है। तो टाइप में हम चूंकि रेडियो बटन बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे रेडियो पास कर दिया, और नेम एक्चुअली ग्रुप को डिसाइड करने वाला है। फिलहाल अभी हम नेम को रहने देते हैं, और फिर से हमने यहाँ पे RADIO रेडियो किया, और मैंने सेव किया। नेम मैं अभी क्यों छोड़ रहा हूँ, अभी मैं सेट करूँगा। यहाँ पे नेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नेम नहीं देंगे तो फिर ये जेंडर वर्क ही नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेल आ चुका है, और यहाँ पे फीमेल में बॉक्स क्यों आ रहा है, स्पेलिंग गलत होगा, RADIO यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर रखा है। मैंने इसको सही किया और इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे भी सर्किल आ गया, ओके। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि मेल के सामने जो बॉक्स है उसको मैंने चेक किया, फिर फीमेल के सामने वाले जो बॉक्स है उसको चेक किया, तो यहाँ पे ये दोनों सिलेक्टेड हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, कोई एक ही सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो नेम सेट करेंगे। नेम ये ग्रुप को बताएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे जेन लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसमें भी हमने लिख दिया जेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेव, और ये नेम भी सेट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखेंगे मेल और फीमेल ये दोनों बारी बारी से सेलेक्ट हो रहे हैं, और दोनों में कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट्स है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो अभी तक हमने स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को हमने इंसर्ट कर लिया। अब हम स्टूडेंट का कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल लेना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के लिए हमने इनपुट टैग यूज किया। अब इनपुट में हम टाइप क्या पास करेंगे, तो मोबाइल नंबर चूंकि नंबर है तो मैं यहाँ पे पास करूंगा नंबर। नंबर टाइप हम उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे केवल और केवल हमें नंबर इनपुट करना हो, ठीक है। अगर टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स करना है तो हम
टेक्स्ट फील्ड का यूज करेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल हमें नंबर यूज करना है तो उसके लिए हम नंबर वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा नंबर आ चुका है और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और मैं एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है और यहाँ पे स्पिनर भी आ चुका है। और मैं यहाँ पे BR टैग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट और सेव करने के बाद करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है। ये जो स्पिनर है इस पर क्लिक करने से नंबर एक एक करके बढ़ता है और एक एक करके बढ़ता है, बट आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे इजिली टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी ऐड कर लिया। अब हम ईमेल आईडी भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से ईमेल एक फील्ड बनाया और यहाँ पे मैंने इनपुट टैग यूज़ किया और टाइप में मैं लिखूँगा ईमेल। ओके, टाइप में ईमेल। अच्छा, आप कहोगे कि ईमेल में तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड क्यों नहीं ले सकते जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जो होता है ना पहले से सिंटेक्स सेट होते हैं, कुछ वैलिडेशन लगे होते हैं जिसको हम फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है ये आपको लास्ट में बताएंगे, जब मैं सबमिट बटन बनाऊंगा तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, फिलहाल मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं BR टैग को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करके सेव करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी ऐड हो चुका है। अब हम एक और कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, यूजर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो मैं उसका डिटेल लेना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेट किया। अब मैं यहाँ पे इनपुट टैग यूज करूंगा और इसमें मैं टाइप में क्या पास करूंगा तो चेकबॉक्स, क्योंकि अब हमें क्या करना है मल्टीपल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करवाने हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मल्टीपल्स हो सकते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे चेकबॉक्स यूज करेंगे और चेकबॉक्स में हम वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू में नेम में पास कर देते हैं डॉक ग्रुप बनाने के लिए। ओके, एंड लास्ट में अब हम यहाँ पे किसके लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं आधार कार्ड। ओके, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड बना दिया और मैं इसको एक बार और कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट और पेस्ट करने के बाद आधार कार्ड के बाद कर लेता हूँ मैं पैन कार्ड और फिर एक बार और मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस बार चेंज कर लेता हूँ पासपोर्ट। ओके, और भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मैं एक बार यहाँ पे BR टैग को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सेव पेस्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट से पहले और सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अभी मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट में एक गलत हुआ है, एक यहाँ पे सी मिसिंग हो चुका है और इसके कारण कॉपी पेस्ट में सब में सी मिसिंग हो चुका है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ और CHEC के चेकबॉक्स मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबके आगे यहाँ पे चेकबॉक्स आ चुका है जिसको मैं चेक करके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम इसमें बटन्स ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पे बटन ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सबमिट बटन और वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि बटन पे क्या दिखाई दे। ठीक है, वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिख दिया रजिस्ट्रेशन और एक और मैं बटन बनाऊंगा क्लियर करने के लिए। मैंने इसको किया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैंने यहीं पे जस्ट पेस्ट कर लिया और यहाँ पे वैल्यूज़ में हमने रजिस्ट्रेशन के जगह पे कर लिया है क्लियर। ठीक है, और बस एक बार मैं BR टैग को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और बटन्स बनाने से पहले मैंने इस जगह पर कर लिया पेस्ट। ओके, और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। तो हमने एक बहुत ही साधारण और आसान तरीके से मल्टीपल्स फील्ड हमने ऐड किए हैं, अलग अलग डेटा टाइप को इंसर्ट करने के लिए हमने अलग अलग टाइप्स के वैल्यूज पास किए हैं और उनका हमने एक प्रैक्टिकल देखा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे इसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से डेकोरेट करना, अलग अलग तरीके, इसमें थोड़ा सा लुक एंड फील डालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML। और भी हम बेहतरीन लुक एंड फील डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें CSS पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्द हम CSS चैप्टर को भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम अट्रैक्टिव और इंट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी फ्री में एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सके और अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।